हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज हम लोग जाने वाले थे बाहर लंच करने के लिए और पैकिंग भी हमारा जो है ना वो ऑलमोस्ट हो गया था, मतलब जो छोटा मोटा सारा सामान था वो हो गया था। बाकी कुछ एक चीज़ें हैं जो कि कल करना है सुबह सुबह। तो हमने सोचा कि चलो कहीं बाहर घूम के आते हैं, लंच करके आते हैं, पता नहीं फिर कब मौका मिले। और आज सुबह सुबह भाई भी आ गया था क्योंकि अमित के साथ, जैसे कि वो जाने वाला है सामान शिफ्ट करने के लिए। नानी भी थी मेरे मायके में ही, तो नानी को भी भाई लेके ही आ गया है। तो बस सब हम लोग रेडी यहाँ पे हो गए हैं। निशू बस रेडी हो रही थी एंड मैंने ना अपने बालों पे बहुत सारा सीरम लगाया हुआ था, इस वजह से टाइट सा बन बनाया था ताकि जब मैं बालों को ओपन करूँ तो थोड़ा सा अच्छा लुक आए। और मुझे काफ़ी अभी ना मन कर रहा है कि मैं अपने बालों में स्पा वगैरह कराऊँ और थोड़ा सा हेयर स्ट्रेटनिंग कराऊँ। तो अभी देखती हूँ क्या होता है, फिलहाल तो अभी बहुत ज़्यादा बिजी हूँ ये सामान वगैरह अरेंज करने को लेकर। एंड गाइस, और एक चीज़, आप लोगों ने बहुत सारा कमेंट किया बॉब हेयर कट का, तो फाइनली मैंने मन बना लिया है बॉब हेयर कट करने का। तो मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊँ एंड मैं जल्दी ही आपके साथ शेयर करूँगी मेरा न्यू लुक, क्योंकि ना मुझे भी लग रहा है कि हाँ थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है और एक बार तो ट्राई करना बनता है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया है बॉब हेयर कट के लिए। तो इस वजह से मैंने अपना डिसीजन बदल लिया है। मैंने पहले सोचा था कि पता नहीं मेरे ऊपर कैसा लगेगा कैसा नहीं, फिर बाद में मुझे पछताना ना पड़े, बट उसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलो एक बार करवा ही लेते हैं, देखते हैं कि वो मेरे ऊपर कैसा लगता है। बट मैं शॉर्ट बॉब हेयर कट नहीं कराऊंगी, मैं लॉन्ग बॉब कट कराऊंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि शॉर्ट हेयर मेरे ऊपर ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा और मैं कंफर्टेबल भी फील नहीं करूंगी। तो मैं लॉन्ग बॉब हेयर कट ही ट्राई करूंगी एंड जो भी हूँ आपके साथ शेयर करूंगी आगे। फिलहाल हम लोग यहाँ पे रेस्टोरेंट पहुँच गए थे और बहुत जोर की बारिश स्टार्ट हो गई थी, मतलब थैंक गॉड हम लोग बस एंटर किए ही थे और बारिश स्टार्ट हो गई थी एंड करीब करीब ना 2 से 2.5 घंटा एकदम जमकर बारिश हुई। हम लोग ने लंच तो कर लिया था बट अंदर ही बैठे बैठे वेट कर रहे थे कब थोड़ा सा बारिश रुके एंड हम लोग जाएँ। और ना इस टाइम पे मूवी लगा था कियारा आडवाणी का सत्य प्रेम की कथा, मुझे बहुत मन था वो मूवी देखने जाने का बट निशू को मन नहीं था। उसने कहा कि यार क्यों टाइम वेस्ट करना है 2-2.5 घंटा भी बैठ के, उससे अच्छा है कि चलो कहीं घूम फिर लेते हैं, थोड़ी बहुत सी शॉपिंग कर लेते हैं। बट टाइमिंग काफ़ी अच्छा था, कियान का भी ये सोने का टाइम था, हम लोग इजीली मूवी देख सकते थे, बट उसका भी मन नहीं था और फिर हम लोग थोड़ा सा लेट भी हो गए थे, इस वजह से भी और मतलब हो नहीं पाया वो चीज़। बट मुझे बहुत मन था वो मूवी देखने का क्योंकि उसके बहुत अच्छे रिव्यूज़ मुझे मिले थे एंड अभी वेट करते हैं कब वो टीवी पे आता है, कब मैं देख पाती हूँ। ये जो ब्लॉग है ना थोड़ा सा हड़बड़ी में एडिटिंग कर रही हूँ क्योंकि मेरे फ़ोन पे बिल्कुल भी स्पेस नहीं है और मुझे जल्दी से स्पेस खाली करना पड़ेगा। तो अभी ना बाहर थोड़े से कंस्ट्रक्शन के काम हो रहे हैं और यहाँ पे कियान भी खेल रहा है, इस वजह से थोड़ा सा आपको इधर उधर की नॉइज़ आ सकती है, तो प्लीज़ उसके साथ एडजस्ट करना। लंच हमारा आ गया था, हमने ऑर्डर किया था, मतलब यहाँ पर जब भी आते हैं तब भी हम लोग बिरयानी खाते ही हैं, तो ये था चिकन बिरयानी, उसके साथ रायता सलाद और उसके साथ हमने ऑर्डर किया था पालक पनीर। यहाँ का पालक पनीर पहली बार मैंने ट्राई किया, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ का पालक पनीर। उसके साथ हमने ऑर्डर किया था तंदूरी बटर नान और भाई के लिए ऑर्डर किया था विदाउट अनियन गार्लिक वाला शाही पनीर और वो भी हमने टेस्ट किया, काफ़ी अच्छा बना था। यहाँ पे पालक पनीर का जो टेस्ट था ना मुझे बहुत अच्छा लगा, इस वजह से मैंने घर में सबके लिए पालक पनीर पैक करवा लिया रात के डिनर का जुगाड़। और यहाँ पे देखो बच्चे यहाँ पे आइसक्रीम इंजॉय कर रहे थे, मेरे पेट पे तो बिल्कुल भी जगह नहीं थी कि कुछ भी खा पाऊँ मैं, तो खाना खा के बस आराम से यहाँ पे बैठ गई थी। और बाहर अभी भी बारिश हो रही थी, हम लोग बस वेट कर रहे थे कब बारिश छूटे और हम लोग कहीं जा पाए बाहर। बाहर आके देख ली हूँ हवा तो बंद हो गया बट बारिश अभी भी थी, तो जैसे ही बारिश थोड़ा सा क्लियर हुआ ना हम लोग नीचे कुछ सामान लिए बेकरी से और हम चले गए सिटी स्टाइल। हमें जाना था बोकारो मॉल बट वहाँ पर जाने और टाइम हुआ ही नहीं, हम लोग सिटी स्टाइल गए, वहाँ पे थोड़ी बहुत से शॉपिंग किए, थोड़ी बहुत से ड्रेसेस एंड ऑल। और चलो बस इस ब्लॉग को ही पेंट करते हैं, मिलते हैं बहुत ही जल्द नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय गाइज़।